रानू चीखते हुए कई बार दौड़ी उछली कि वो अजीब डरावनी छिपकली उसके शरीर से नीचे गिर जाए, मगर छिपकली जस की तस उसके शरीर पर चिपकी हुई थी। कभी वो उछलकर उसके कंधों पर बैठ जाती तो कभी गर्दन पर, कभी सिर पर उछलती तो कभी उसके वक्षों पर। छिपकली की आंखें अब भी लाल थीं, उसके चेहरे पर अब भी वही कुटिल मुस्कान थी। छिपकली हंसते हुए जैसे रानू के साथ खेल रही थी। उछलते हुए ही वो बोली, बस रानू बस, रुक जा लड़की। मैंने कहा रुक जा, रुक जा, वरना मैं अभी तेरा सिर नोच के खा जाऊंगी। ये सुनते ही जैसे रानू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, वो बर्फ सी वहीं जम गई। डर के मारे उसकी आवाज रुंध गई, आंखों से आंसू निकल आए। वहीं छिपकली अब धीमे धीमे चलते हुए रानू की गर्दन पर उसके खुले बालों में गोल गोल घूमती हुई बोली, रानू मेरा एक काम करेगी क्या? क्या? रानू ने डरते हुए पूछा। बस एक छोटा सा काम है, कुछ पता लगाना है और बस फिर हो गया। देखो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे, मैं भानु। पर भानु का कोई जवाब नहीं आया। नहीं आएगा वो, नहीं आएगा, इसलिए तो कहती है मजाक सोच समझ कर करना चाहिए। छिपकली फिर मुस्काई। देखो मुझे पता है तुम वो हतमाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ये सुनते ही रानू के गर्दन पर घूमती छिपकली गुस्से में एकदम रुक गई और अब सामने वाली दीवार पर उछलते हुए वो बोली, नहीं नहीं। छिपकली का रंग अब गुस्से में धीरे धीरे लाल हो रहा था, उसकी सांसें तेज चलने लगीं, उसका शरीर फिर से बड़ा होने लगा, मगर इस बार पिछली बार से भी बड़ा शरीर करते हुए छिपकली रानू की आंखों में आंखें डाले बोली, नहीं देगी साथ, नहीं देगी। बोलते हुए छिपकली ने अपने गहरे लाल पंजों से पकड़कर जबरदस्ती रानू का मुंह खोल दिया, और इससे पहले रानू कुछ कर पाती छिपकली ने अपनी जहरीली लंबी जुबान रानू के मुंह में डाल उसकी गर्दन के नीचे उतार दी। रानू की ये दिल दहलाने वाली चीख सुन भानु भी सिहर उठा। दौड़कर तुरंत स्नान घर का दरवाजा खोलते हुए वो चीखा, रानू रानू तुम ठीक हो? मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने निर्वस्त्र रानू अपने बदन पर लोटे से पानी डाल नहा रही थी। मुस्कुराते हुए वो बोली, फिर मूर्ख बन गए पति जी। भानु खुद को फिर से बेवकूफ बना जान झुंझलाकर चला गया। वहीं भानु के जाते ही रानू की आंखों में असंख्य लाल डोरे उभर आए। वो छोटी सी छिपकली चेहरे पर वही मुस्कान लिए उसकी पीठ से चढ़कर उसके कंधों पर आ बैठी। रानू अब उस डरावनी छिपकली के वश में थी। यहाँ बौने यक्ष ने उड़ते हुए राय बहादुर पर वार किया, मगर राय बहादुर उछलते हुए दूसरी ओर कूद गए और द्युत केतु संतुलन खो जमीन पर जा गिरा। ओहो क्या कर रहे हो द्युत केतु, उठकर हमला करो ना। श्रावणी अब भी यक्ष की तरफ से उसका उत्साह वर्धन कर रही थी। उछलकर मारो राय बहादुर को। राय बहादुर ने सिर हिलाते हुए श्रावणी की इस बचकानी हरकत को नजरअंदाज कर दिया, मगर तभी हाथों से बिजली छोड़ता हुआ बौना द्युत केतु राय बहादुर पर प्रहार कर उन्हें गिराता हुआ उनकी छाती पर बैठ गया। ये लो राय बहादुर। यक्ष एक के बाद एक राय बहादुर के ऊपर बिजली से प्रहार करने लगा। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं जानता, तुम्हारी वो असीम शक्ति यहाँ इस जंगल में काम नहीं कर रही। अरे मैंने ही तुम्हारी ताकत आंकने उन जंगली नुकीले पेड़ों को उस महादानव को भेजा था, क्या मैं नहीं जानता? अगर तुम्हारे पास तुम्हारी शक्ति होती तो तुम उन्हें पल भर में मार देते। ये लो।
कहता हुआ यक्ष एक के बाद एक, कभी आग तो कभी कांच उगल राय बहादुर पर प्रहार करने लगा, मगर उसका हर वार खाली जा रहा था। राय बहादुर यक्ष के निशाने से हटकर ही बिना कुछ किए उसके वारों से बच रहे थे, जिसे देख द्युतकेतु की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शक्तियां ना होने के बावजूद भी राय बहादुर उसके इतने तेज वारों से कैसे बच रही हैं। शायद वो भूल गया था कि राय बहादुर के कानों में अब भी वो बाली है। मगर इधर श्रावणी को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा कि क्यों वो बाली उसके कान से निकालकर राय बहादुर ने पहन ली थी, क्यों उन्होंने यक्ष की वो बेहुदा शर्त मान ली थी। दरअसल राय बहादुर बस किसी तरह यक्ष से वो बाली हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उसकी शक्ति से वो यक्ष को हरा कर इस गुफा से निकल सकते थे। यही राय बहादुर की योजना थी। ओह, तो इसलिए आपने वो, श्रावणी हैरान हो बोली। चलो देर से ही सही, तुम्हें समझ तो आया, अब इस बोने के लिए ताली बजाने की बजाय मदद करो मेरी। पर कैसे? श्रावणी की नजर अपने पास खड़ी उस जादुई छड़ी पर पड़ी, जिस पर इस समय भैंसे का सिर तेज सांस छोड़ता हुआ यक्ष और राय बहादुर की लड़ाई बड़े मजे से देख रहा था। बोने के कमजोर पड़ते ही वो भैंसा बीच बीच में राय बहादुर पर वार कर रहा था। श्रावणी ने तुरंत जमीन से धूल उठाई और उस भैंसे की कंकाल आंखों में डाल दी। आंखों में बेतहाशा जलन से तिलमिलाया भैंसा अपने असली स्वरूप में आ गया। लंबा चौड़ा काला भैंसा चिल्ला रहा था। जादुई छड़ी उसके सिंहों के रूप में उसके सिर पर सजी थी। दर्द से कराहता भैंसा छड़ी अपने साथ लिए उछल उछल के गिरने पड़ने लगा। कभी वो गुफा की दीवार से टकराता तो कभी अंधेरे में खुद ही के पैरों में उलझ धड़ाम से गिर पड़ता। उधर यक्ष द्युतकेतु राय बहादुर के सामने अब अकेला था। राय बहादुर ने अपनी बाली की तरफ देखा और वो चमक उठी। राय बहादुर ने हवा में उछलते हुए जमीन पर एक जोरदार घूंसा मारा। ऐसा करते ही पूरी गुफा हिल पड़ी। हवा में ही उछलता हुआ गुफा की दीवार से जा टकराया। ना सिर्फ गुफा, गुफा के ऊपर बसा जंगल भी जोरदार प्रहार से हिल गया। सारी काली आत्माएं जो अब भी धुएं के रूप में जंगल में श्रावणी को ढूंढ रही थीं, वो भी सोच में पड़ गईं कि ये हुआ क्या। राय बहादुर की आंखों की पुतलियों पर फिर सुनहरी लपटें उठने लगीं, मगर काली शक्तियों के बीच घिरे होने के कारण उनकी शक्तियां पूरी रूप से नहीं जाग रही थीं। वहीं इस ताकतवर वार से जमीन पर गिरा द्युतकेतु खांसता हुआ दर्द से करहाया। उसका पूरा सिर चकरा गया। एक पल को वो घबरा गया, मगर दूसरे ही पल हवा में उछलता हुआ अपनी छड़ी को आवाज लगाते हुए चीखा, यहाँ आओ मेरी छड़ी। मगर छड़ी कहीं नहीं थी। यक्ष पलटा, उसने फिर पुकारा, मैंने कहा यहाँ आओ छड़ी, लेकिन अब भी कहीं से कोई जवाब न था। मगर तभी धूल से अंधा हो चुका भैंसा अपने मालिक के आदेश पर दौड़ता हुआ आया, मगर अंधा होने के कारण उसने अपने मालिक को ही रौंद दिया। नहीं नहीं नहीं! यक्ष हवा में उछलते हुए दो गुलाटी खाकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरी तरह से झुंझलाया बौना गुस्से में तप कर लाल हो गया। उसने अब अपनी आंखें बंद की और एक दिव्य मंत्र पढ़ा, जिसे पढ़ते ही उसकी लंबाई राय बहादुर से भी ज्यादा हो गई। आंखों में आग की लपटें दिखाई देने लगीं। हवा में उठता हुआ वो चीखते हुए बोला, जादुई गोले। उसके इशारा करते ही उसका सफेद धुएं वाला जादुई गोला उसके सामने आ गया, जिसमें श्रावणी को ढूंढती वो काली आत्माएं यहाँ वहाँ भटक रही थीं। ना ही वो जंगल के बाहर जा पा रही थीं और ना ही उन्हें जंगल में कहीं श्रावणी मिल रही थी। बहुत हुआ राय बहादुर, कर देता हूँ आजाद इन्हें फिर एक बार। मैं छोड़ देता हूँ भयनगर की ओर, ताकि ये सब कुछ बर्बाद कर दे। ये सुनते ही राय बहादुर रुक गए। उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए।
वो मजबूर थे। वहीं यक्ष ने अब अपनी ठोड़ी पर झूलती गुथी हुई दाढ़ी को लंबा करते हुए राय बहादुर को उसमें लपेटते हुए गुफा में उछाल उछाल कर फेंकना शुरू कर दिया। राय बहादुर वार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके ऐसा करते ही यक्ष उन आत्माओं को भयनगर की ओर छोड़ देता। इस बात से बंधे राय बहादुर चुपचाप मार खाते रहे। तुमने मुझे बस एक मामूली बौना समझ लिया राय बहादुर, तुम गलत हो। अरे मैं ही तो हूँ जो भयनगर की सीमा से किसी को निकलने नहीं देता, और जो ऐसा करते हैं उसके पीछे इन शैतानी आत्माओं को छोड़ देता हूँ। बौना यक्ष राय बहादुर के साथ बच्चों सा खिलवाड़ करते हुए उन्हें उछाल उछाल कर फेंक रहा था, जिससे राय बहादुर के शरीर से खून निकलने लगा। मगर बौने को ये करने में बड़ा मजा आ रहा था। अपनी दाढ़ी से राय बहादुर को पकड़ कर फेंकते ही वो बोला, ये गया। हाँ मारो द्युतकेतु, मारो इस धोखेबाज को, श्रावणी बोली। उसे ये बोलते सुन यक्ष और राय बहादुर फिर हैरान रह गए। अरे मुझे तो पहले ही पता था यक्ष ही ताकतवर है, क्यों है ना, कहती हुई श्रावणी यक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई। और अब तो लंबाई चौड़ाई भी, वाह यक्ष जी बिल्कुल अभिनेता लग रहे हो, किसी भी नाटक में मुख्य नायक का किरदार तो यूं ही मिल जाए आपको। सच, यक्ष अपनी तारीफ सुनकर बोला। तुम्हें मस्खरी सूझ रही है इस वक्त, घायल राय बहादुर जैसे तैसे खुद को खड़ा करते हुए बोले। हे, चुप, कहते हुए यक्ष ने अपने हाथों से बिजली के तार छोड़ राय बहादुर को उसमें बांध दिया। बिजली के तार का दूसरा छोर अपने हाथों में पकड़े द्युतकेतु ने श्रावणी से फिर पूछा, क्या तुम सच बोल रही हो, मैं बन सकता हूँ अभिनेता? और नहीं तो क्या, सब ठीक है, कद काठी मतलब इस वक्त वो पहले वाली नहीं, अभिनय भी ठीक है, बस एक दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत, यक्ष ने परेशान होते हुए पूछा। अरे बस करो तुम दोनों, राय बहादुर ने झुंझला कर कहा। मगर श्रावणी और द्युतकेतु दोनों ने ही राय बहादुर को लगभग नजरअंदाज करते हुए अपनी बात को जारी रखा। वो चीज है आपकी हंसी, आप ना बड़ा अजीब ढंग से हंसते हो। क्या, यक्ष हैरान था। ठीक है। यक्ष तरह तरह से हंसकर श्रावणी को दिखाने लगा। तभी गिरता पड़ता भैंसा वहां आज जमीन पर ढेर हो गया। उसके शरीर पर जख्मों के भारी निशान थे, मगर यक्ष अपने अभिनेता होने की संभावनाओं में उलझा था। ये सही है। नहीं नहीं, हंसी अंदर से आनी चाहिए, वैसी जब मैंने आपको गुदगुदी कर हंसाया था, अंदर से आनी चाहिए। रुके मैं बताती हूँ, मैं आपको गुदगुदी करूंगी, फिर देखना क्या खुलकर हंसी आती है। कहते हुए श्रावणी ने यक्ष को गुदगुदी करना शुरू कर दिया। यक्ष की हंसी से पूरी गुफा गूंज उठी। मगर हंसने में यक्ष का ध्यान भटका, जिस बिजली के तार में राय बहादुर जकड़े हुए थे उसकी पकड़ ढीली हो गई। यक्ष की वो गुथी हुई दाढ़ी फिर से छोटी होकर उसके चेहरे पर लटकने लगी, और इसी का फायदा उठाते हुए श्रावणी ने वो सफेद धुएं का जादुई गोला उछलकर पकड़ लिया। इधर राय बहादुर ने भी यक्ष की कैद तोड़ नीचे पड़े भैंसे के सिर पर सजी छड़ी को पकड़कर जोर से घुमाया, और भैंसा फिर सिकुड़कर छड़ी के ऊपरी हिस्से में चिपक गया। राय बहादुर ने अब छड़ी पर लगे बैल पर अपना हाथ घुमाया। ऐसा करते ही छड़ी से एक तेज रोशनी निकली और सीधे हंसते हुए यक्ष के ऊपर जा लगी। यक्ष फिर से अपने बौने रूप में आ गया। वो रोशनी बर्फ बन यक्ष को खुद में समेटे बर्फ सी जम गई। यक्ष अब जैसे किसी बर्फ की सिल्ली में कैद हो, हवा में हंसता हुआ यक्ष वहीं का वहीं जम गया। उसके शरीर का एक भी अंग नहीं हिल रहा था सिवाय उसकी आंखों और मुंह के। यक्ष की दबी सी चीख, निकालो मुझे, निकालो, श्रावणी, राय बहादुर। मगर श्रावणी और राय बहादुर का उसे वहां से निकालने का सवाल ही नहीं था, पर एक सवाल जरूर था कि वो दोनों उस गुफा से कैसे निकलेंगे।
गुफा चारों तरफ से दीवार से बंद थी। बाहर जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था। अब श्रावणी ने पूछा। राय बहादुर भी वही सोच रहे थे कि इस गुफा से निकलें कैसे। मुझे लगता है इस जादुई गोले और इस छड़ी की मदद से ही हमें कुछ करना होगा। छड़ी पर लगा भैंसा गुर्राया। ये सुन बर्फ की सिल्ली में जमा हुआ यक्ष भी चिल्लाया, ऐसा मत करना। जहाँ श्रावणी ये सुन और परेशान हो गई, वहीं राय बहादुर बोले, अगर ये बुरी शक्तियों का प्रतीक ये भैंसा और यक्ष दोनों इस चीज के लिए मना कर रहे हैं तो हमें यही करना चाहिए। शायद यही सही रास्ता है। तुम कुछ नहीं जानते राय बहादुर, यक्ष बर्फ से ही चिल्लाया, तुम्हें नहीं पता तुम किस चीज से खेल रहे हो। मगर राय बहादुर ने यक्ष की एक न सुनी और छड़ी को उस जादुई गोले पर घुमा दिया। मगर ऐसा करते ही अचानक उनके नीचे की धरती फट पड़ी और राय बहादुर और श्रावणी नीचे गिरने लगे। क्या होगा अब राय बहादुर और श्रावणी का? रानू से क्या करवाएगी वो कुटिल छिपकली? किस मोड़ पर ले जाएगा राय बहादुर को उनका ये कदम? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर।